वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो है ट्रेलर मूवी का बाला। और इस मूवी की स्टार कास्ट की हम बात करें तो बाला में है आयुष्मान खुराना, यामिनी गौतम और साथ में है एक और एक्ट्रेस भूमि। तीनों जो है तीनों ने पहले भी एक मूवी में इकट्ठे काम नहीं किया, यानी कि विकी डॉनर में जो है काम किया आयुष्मान खुराना और यामिनी गौतम ने, और जो है उसमें भूमि और आयुष्मान खुराना ने इकट्ठे काम किया। दोनों मूवीज बहुत अच्छी थी। और वैसे अगर हम आयुष्मान खुराना की बात करें तो आजकल वो बहुत ही अच्छी मूवीज कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे ड्रीम गर्ल का हम लोगों ने देखा था तो वाकई में दैट वाज फैंटास्टिक। उससे पहले हमने आर्टिकल 15 देखी थी, वो तो वाकई बहुत अच्छी है। यस, और अभी हम देखने जा रहे हैं बाला मूवी। वैसे हम लोगों ने जो कल देखी थी मूवी का ट्रेलर देखा था उजड़ा चमन, अगर मूवी के पोस्टर की बात करें बाला की तो उससे मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन अभी हमें मूवी का ट्रेलर देखने के बाद पता चलेगा कि असल में स्टोरी क्या है, क्या दोनों आपस में मैच करती हैं या नहीं करती। लेकिन उससे पहले इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है दिनेश। अच्छा, और इस मूवी के डायरेक्टर हैं अमर कौशिक। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोग हम लोगों को पूछते हैं आप लोगों को हिंदी, आप बोलते हैं आप लोगों को हिंदी पढ़नी नहीं आती क्या? एक्चुअली हम लोग हिंदी तो नहीं, मुझे हम लोग उर्दू बोलते हैं हाँ, लेकिन हिंदी उर्दू सेम ही है, कुछ वर्ड सेम है, लेकिन क्या है जो हिंदी स्क्रिप्ट है हम वो नहीं पढ़ सकते, जो उर्दू स्क्रिप्ट है वो हम पढ़ सकते हैं। नहीं, एक्चुअली कुछ वर्ड वो कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो इंग्लिश में लिखे होते हैं हिंदी के, मतलब जैसे यहाँ पर रोमन उर्दू होती है, इंग्लिश रोमन उर्दू होती है, रोमन इंग्लिश होती है, तो एक्चुअली हम लोगों को प्रोनाउंस करना वाकई में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है जो हिंदी वाले नाम होते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले आपने बोल दिया ना नहीं, इस वीडियो का चैनल का विषय लिंक जो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उसके अलावा आपको हमारे इंस्टाग्राम, हमारे ट्विटर और हमारे जो है दूसरे चैनल का लिंक जो है वो भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए अब देख लेते हैं ट्रेलर एंड देन वी विल डिस्कस हम लोग को ट्रेलर कैसा लगा। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेलर। ये हमारे प्रमुख अखबारों के मैट्रिमोनियल एड्स, पढ़ाई लिखाई, जाति प्रजाति सब बाद में, सिर्फ गोरी लड़की चाहिए, इन शॉर्ट जो गोरा है वो सुंदर है। आप ये टोपी पहन के काहे बात कर रहे हैं? हमारी टोपी हमारी मर्जी। धूप लग रही है क्या? हटाओ टोपी। किसी और को दिक्कत नहीं, आपको काहे हो रही है? नहीं हटाएंगे हम। शर्मा काहे रहे, हटाओ। यामी बतम थी बालों की वजह से रखा था। बच्चन भैया हम स्कूल में हीरो थे, हीरो। अमिताभ बच्चन अवतार मिलकर रोल में कैसे जी सकता है? जॉब में डिमोट हो जाते हैं, मिमिक्री में फ्लॉप हो जाते हैं, बचपन की गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाती है, सुंदर लड़की से बात करते तो फटती है हमारी, लगता है हंसेगी हम पे देख के। हेयर लॉस नहीं, आइडेंटिटी लॉस हो रहा हमारा। इसको कहते हैं थेगला। नहीं चाहिए हमें थेगला। हस्त मैथुन और सेक्स में फर्क होता है बे, ये हस्त मैथुन है, हमें बाल उगाने अपने असली के उगा देंगे। गाना सुन रहे ना लगे भैंस का गोबर और सांड का वीर्य मिला के अपने सर पर लगा लेना। मेहंदी लग रही है, तुझे फूल जैसी परी मिलेगी। हमने नहीं करनी शादी वादी, जितने विकेट विकेट बचे हैं ना इनके रहते अपनी इनिंग बचा लो। ये हमने टिकटॉक है ना, आज तुम्हारे पापा मैं बाल गिफ्ट कर रहे हैं बेटा। नाम तो सुना होगा? नहीं सुना। जिंदगी और चीज एक नाम और जान लो, क्या पता कल हो ना हो। इतने बड़े चूतिया को इतनी सुंदर लड़की दिल दे दी उसको। हमने फैसला कर लिया, प्रतिरोपण करवाएंगे। अरे उससे अच्छा तो तुम्हारा एक टापू है भैया जो सर में लगा घूमते हो पूरा दिन। ट्रांसप्लांट के लिए तुम्हारे छाती, हाथ और दाढ़ी के बाल बहुत कम है, बस एक ही जगह है। मलिना तो चल रहा है आजकल भैया, छांट के बाल सर पे लगाने को बोल रहा है आदमी, हम नहीं करवाएंगे।
अगर बात करें बाला मूवी की, तो बाला मूवी पे छोड़ेगा आयुष्मान खुराना की बात करें, तो आयुष्मान खुराना जो है वो काफी अच्छे रोल कर रहे हैं लास्ट आर्टिकल 15 में, ड्रीम गर्ल में, और अब जो है वो भी एक गंजे इंसान का जो है रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर बात क्या कह रहे हैं, समझ नहीं लग रही, ट्रेलर बहुत अच्छा था, ट्रेलर तो बहुत अच्छा था, लेकिन कल भी हम लोगों ने ट्रेलर देखा, आज भी हम लोग ट्रेलर देखा, तो उजड़ा चमन वाला क्या वाकई में बेचारे गंदे लोगों की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, मुझे तो देख ना अपने अंदर अब होना जरूरी मेरा ना हो जाए। वैसे हम लोग मौजों को कभी कभी बोलते हैं कि तुम्हारा जो हेयर फॉल है ना वो होना शुरू हो गया है, तो तुम ऐसा करो कि तुम अपने बालों की केयर करो, क्योंकि ये साइडों से नहीं ये भी, और उस मर्द हमेशा पहले इन साइडों से गंजे होते हैं ना, और उसके बाद ऐसे ऐसे एक रन में बन जाता है इस तरीके से, जैसे बाला बेचारे का बना हुआ था और जैसे उजड़ा चमन में बना हुआ था। नहीं, उजड़े चमन वाले के ना बिल्कुल ही बेचारे का गंजा था, इसकी तो फिर भी थोड़ी हरियाली है। हाँ, मतलब और थोड़े थोड़े हैं। और अगर पोस्टर की बात करते हैं, पोस्टर जो है इस मूवी का बहुत अच्छा लगा है, उनके सर पे थोड़े थोड़े बाल हैं, वो ऊपर पानी फेंक रहे शायद निकल आए। और देखें अगर इस मूवी की बात करें तो स्टार्टिंग में उन्होंने डिस्कस वही किया हुआ कि लड़कियां सांवली या काले रंग की हो तो उनके लिए बिल्कुल रिश्ते बहुत मुश्किल होते हैं, और ऑन द अदर हैंड सेम थिंग, लड़के गंजे हो और मिडिल क्लास हो तो उनके लिए भी रिश्तों के बहुत मसले मसाइल होते हैं। ट्रेलर में दोनों चीजों को डिस्कस कर दिया, जैसे वो पहले वो लेक्चर दे रहे होते हैं, तो वहां पर लड़की जब उनको एक्सपोज कर देती है, टोपी थोपनी उठाए, और फिर उनको अपने लिए जैसे यामी गौतम जो उनको पसंद आते थे, टिकटॉक स्टार मेरा ख्याल में शायद बनाई हुई है, तो फिर उनके मुझे ना एक सीन इतना मनी लग रहा उसमें ना, वो सीन में दोनों रोमांस कर रहे सर पे हाथ लगाने देते नीचे और इसके अलावा अगर हम आयुष्मान खुराना की लुक्स की बात करें, बहुत डिफरेंट लग रहे हैं। अच्छा मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी उनकी शक्ल ही बदल गई। हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है उनकी किया हुआ है उनके ना फेस पे, कलर भी उनका मेरा हमें चेंज किया हुआ है, बाल भी। बट अगर हम उजड़ा चमन और इसी बात करें ना, उजड़ा चमन में इतने ज्यादा टोटके इस्तेमाल नहीं मेरे ख्याल में किए जितने कि इसमें देसी टोटके इस्तेमाल किए, बिल्कुल बाकी लोग करते हैं। और अगर एक सीन की बात करें दोनों की, तो जो कॉमन थी बालों की, अच्छा उसमें तो बता रहे चेस्ट के बाल, बाजुओं के, हाथों के, जहाँ से विदेश में तो वो होते ही नहीं ना उनके, बहुत कम होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अगर कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा बोल्ड था उससे, क्योंकि इसमें जो लास्ट डायलॉग वो थोड़ा मतलब उससे काफी ज्यादा हटके था। और अगर मूवी की बात करें तो मूवी जो है 7 नवंबर को जो है 7 नवंबर को रिलीज हो रही है, कौन सी वाली मूवी हमारी, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है दोनों मूवी का, तो हमारी तो दिली ख्वाहिश होगी कि दोनों हिट जाए, दोनों अच्छा बिजनेस करें, क्योंकि दोनों मूवी के एक्टर्स, डायरेक्टर, पूरी कास्ट सबने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि दोनों मूवीज अच्छा सा बिजनेस करें, क्योंकि दोनों एक्टर्स। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जो ज्यादा लोगों को पसंद आएगी वो ही ज्यादा बिजनेस करेगी, और स्टोरी वाइज मुझे ऐसे लगता है कि ना फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि शायद लोगों की काफी प्रॉब्लम आना शुरू होगी गंजों में, शायद हो सकता है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन आप जरूर हमें बताइएगा कि उजड़ा चमन और बाला इन दोनों ट्रेलर में आपको कौन सा ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि आप मूवी देखेंगे, आपको कि हाँ हम लोग ये मूवी देखेंगे, और अगर दोनों कर रहे हैं तो दोनों में से ज्यादा ट्रेलर कौन सा आपको पसंद आया हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी के साथ हम दें इजाजत, हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को करें शेयर, एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स, टिल देन गुड बाय।